नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। अंतरिक्ष जगत में भारत आज इतिहास रचने जा रहा है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मिशन चंद्रयान 3 आज शाम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पूरी दुनिया इस पल का इंतजार बेसब्री से कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसरो के सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने जो काम शुरू किया है वो सफल जरूर होगा और भारत की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब चंदा मामा दूर नहीं है। चंद्रयान के लैंडिंग के लिए मैं इसरो के भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ये शुरू किया है जो कार्यक्रम वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बजता हुआ नजर आएगा। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके लिए बधाई दी है और उन्होंने ये कहा कि चंदा मामा अब दूर के नहीं रहेंगे। तो आज भारत इतिहास रचने के लिए चांद पर भी पूरी तरह से तैयार है और आज जैसा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चांद पर और इसके लिए आज सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड और यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा गंगा और नर्मदा नदी पर दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निंदा की है और सीएम धामी ने कहा है कि मां गंगा का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें मां का दर्जा दिया जाता है। उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ठीक ऐसा है जैसा कि सूर्य पर कोई थूक रहा हो। आपदा प्रबंधन कंट्रोल में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी और बताना चाहेंगे कि कुरैशी ने मध्यप्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान ये तमाम बातें कही थी कि कांग्रेस के कुछ लोग आजकल जय गंगा मैया और जय नर्मदा मैया कहते हैं और नदियों को मैया कहना गलत है। क्योंकि माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही है। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है जो कैसे कोई सूरज की तरफ फूंक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। उधर रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में एक बड़ा तोहफा दे दिया है और मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परमार्थ निकेतन में विशेष गंगा आरती की गई और बताना चाहेंगे कि बाबा रामदेव ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की है और यज्ञ में आहुतियां भी समर्पित की। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो, इससे भारत का गौरव वर्धन हो। भारत विश्व की महाशक्तियों में आज सम्मिलित है और जब बात चंद्रमा पर विजय की हो तो चंद्रमा पर तिरंगा लहराए, इससे 140 करोड़ भारतीय गौरवान्वित होंगे। ये क्षण हमें अपनी आँखों के सामने देखने को मिलेगा, हमारे लिए भी ये क्षण बहुत ही गौरवपूर्ण होगा। आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद रखेंगी और पूरी दुनिया में भारत की धाक जमेगी, पूरी दुनिया भी भारत का लोहा मानेगी। आज खेल से लेकर के अर्थ जगत से लेकर के विज्ञान तकनीकी और सेनाओं से लेकर के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भारत किसी से पीछे है। तो चंद्रमा पर विजय के इस अभियान से, चंद्रयान 3 के इस सफलता पूर्वक इस अभियान की पूर्ति हो, इसके लिए हमने हवन किया है, प्रार्थनाएं की हैं और 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं से और हमारे वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ से हम आश्वस्त हैं कि लक्ष्य अवश्य पूरा होगा और 140
40 करोड़ भारतीय गौरवान्वित तो होंगे और पूरी दुनिया के लिए भी यह एक प्रेरणा का क्षण होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का लुक कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई और आज बागेश्वर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम धामी संबोधित करेंगे और कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज बागेश्वर आ रहे हैं। तो तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम चर्चा भी की जाएगी। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का आज दामन थामने जा रहे हैं और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगातार बीजेपी की तरफ से तेज हो चुकी हैं। तो आज बागेश्वर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और जीत का मूलमंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता भी आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज हैं, सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं और इसी के मद्देनजर इसी कड़ी में बागेश्वर सीएम धामी आएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर भी जाएंगे और यहां पर सीएम आपदा राहत कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा सीएम कई विकास कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। देहरादून पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है और खुलासे से मिली जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी की ड्रिलिंग कराने वाला ब्रोकर ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। रायपुर पुलिस ने तकरीबन 2,60,00,000 रुपए की नकदी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बताना चाहेंगे कि 19 अगस्त को चोरी का मामला दर्ज कराया गया था जिसमें पीड़ित के घर से भारी मात्रा में नकदी और आभूषण चोरी हुए थे। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी पुलिस प्रशासन द्वारा बात कही गई है। उन्नीस तारीख को एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था न्यू डिफेंस कॉलोनी में जो रहने वाली हैं मीनू गोयल उनके द्वारा, और उसमें कुछ जेवर और कुछ कैश चोरी की के बारे में उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया था। हमने इस पूरी टीम वर्कआउट करने के लिए 4 टीमें गठित की थी और लगभग 250 CCTV फुटेज को हमने खंगाला, देखा उसको, उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने पर एक इसमें एक मुलजिम है सन्नी पुत्र लेखपाल, ये आपका मूल रूप से तो ये जनपद मेरठ का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आपका रायपुर सहजदारा गंगोत्री बिहार सहजदारा का रहने वाला के रह रहा था ये, और इसके पर्सन से हमको लगभग 2.6 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। और इसका एक दूसरा अन्य साथी था धीराज, ये बागपत का रहने वाला है बड़ौद का, ये उसका ये भी इसके साथ था और एक बैग कैश वो लिखे गया है और उसमें अमाउंट कितना है अभी हम बता नहीं सकते हैं, वो रिकवरी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं और ये 2.6 करोड़ इसके इससे बरामद हुआ। तो मेरे तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का और आईजी साहब की तरफ से 50,000 रुपये की इसके इनाम। वहीं प्रदेश भर में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 अगस्त को 8 जिलों यानी कि टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं पिछले 2 दिनों से कई स्थानों पर बारिश के कारण जनजीवन पहले से ही प्रभावित है, साथ ही भूस्खलन की घटनाओं में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है और नदी नाले भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल, देखिए आज 22 अगस्त के लिए जो है हमने पहले बोला था कि उत्तराखंड में 22-21 से ही जो है जो शुरुआत है रेनफॉल एक्टिविटी को बढ़ेगी, जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स इस तरह की, तो कल भी हमने ऑरेंज में रखा ही था 21 को भी और आज जो पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन उसमें मिली है, हैवी वेरी हैवी तक मिली है। आपके जो है देहरादून है, चाहे नैनीताल है, इसी तरह उधम सिंह नगर है, टेहरी पौड़ी है, तो इनमें मिली है रेन्स अच्छी जो है। और आगे अगर आज से बात करें 22 तारीख से, तो आज भी जो ऑरेंज अलर्ट है वो आपके देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार,
नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, इनमें रखा गया है। कल से जो अलर्ट है उसको रेड कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश अच्छी मिल रही है, आज भी अच्छी बारिश मिलेगी, तो इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा। और कल भी जो स्थिति है वो इसी तरह की हैवी, वेरी हैवी रेन्स जो इन डिस्ट्रिक्ट में वो रहेगी। परसों जो है और भी जो एक्टिविटी है थोड़ी इंटेंस होने की उसकी ज़्यादा संभावना है, तो आप ये कह सकते हैं हैवी, वेरी हैवी रेन्स तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगी जो मैंने बोले हैं, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या हरिद्वार जो है, तो हैवी से वेरी हैवी रेन तो आज और कल है ये रहेंगी। और परसों जो इसमें हैवी, वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी, खासकर देहरादून, जैसे ऋषिकेश है या इसके आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की संभावना है। इसी तरह जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी इस तरह की जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की है एकादोका जगहों में उसकी संभावना है, या पौड़ी में भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो तीन दिन अभी है, आज 22, 23, 24, तो 24 को जो एक्टिविटी है मैक्सिमम लग रही है, और ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है, जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट वो भी आते जाएगा धीरे धीरे। तो कल से जो रेड कर दिया गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जो अलर्ट जो है, जो वार्निंग है, उसको रेड कर दी गई है कल 23 तारीख को भी और परसों 24 को भी। तो प्रदेश में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, और वहीं भारी बारिश के चलते आपदा के हालात हो गए हैं। इसी कड़ी में चमोली में भी बारिश का कहर देखने को मिला है, और यहां पर सड़कों पर मलबा गिरने से हाईवे पूरी तरह से बाधित हो चुका है। बताना चाहेंगे कि छिनका में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ ही नंदप्रयाग, पागलनाला, बेलाकुची में भी मार्ग बाधित हो चुके हैं। तो प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला देहरादून से, हल्द्वानी से योगेश राणा, वहीं हमारे साथ हरिद्वार से विकास खरे जुड़ चुके हैं। तो तीनों सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले विकास से जाना चाहेंगे। विकास, लगातार प्रदेश में जनजीवन बाढ़ के कारण और बारिश के कारण पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ताजा हालातों के अनुसार आपको क्या लगता है कि कब तक प्रदेश की जनता धूप का चेहरा देखेगी? बिल्कुल, देखिए मनीषा, अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश से नमना कर बरपा हुआ है। हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो दो दिन से लगातार भारी बारिश हमको देखने को मिली है, कहने के जल भराव की समस्या से जो है आमजन को दो चार होना पड़ रहा है, कहने की बारिश दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार जो है जो बाढ़ चौक के आया, जो गंगा तटीय इलाके हैं उनको जो तरीके से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसान है या फिर जो आम व्यक्ति है गंगा जो किनारा ना पहुंचे। हालांकि अभी भी जो है गंगा जो है कहीं ना कहीं गिर रहा है, काफी से जो गंगा का वार्निंग लेवल फिलहाल इसके निशान पर जिला गंगा भरी। तो ऐसे में जो आज जिला प्रशासन के द्वारा जब आयोग से जब हमारा तक के जो स्कूल बच्चे सभी स्कूल के स्थिति की जो कहने के आंदोलन मानव से किसी प्रकार की जो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें तो चलने के मंथा देवी की यहाँ पर जो किसी जगह पानी भर गई है, उनका जो मलवा है वो भी साफ तौर से जो रोड पर आए कहने के रोड भी आज बाधित हुई है। तो ऐसे में जो लगातार बारिश का क्या जो हल्द्वार में देखने को मिल रहा है उनका, वो साफ तौर पर आपको बताए कहने के जल भराव की जो समस्या लेते जलों की जो फिलहाल जो ग्रामीण इलाके वहाँ पर जो लोग जल भराव की साथ में समस्या का सामना उनको करना पड़ा। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है जो जिला प्रशासन की टीम है उनको भी जो जिससे भी बनाए रखने के उनके जो है ताकि जो भी आम जन मानव थे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में जो फिलहाल अगर हम फिलहाल के हालात की अगर वहाँ से निकल अभी भी जो है हरिद्वार में जो है बारिश का जो मौसम है सूर्य से बना हुआ है, क्योंकि संध्या में यहाँ पर बारिश रुकी है, वो देर रात से जो लगातार जो भारी बारिश जो जो है मौसम विभाग के द्वारा जो वेदर जारी किया था कहीं कहीं वो साफ तौर पर जो इसका नजर आता है जंगलों की मिलाव क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भारी बारिश हो रही है उससे भी जो आम जन मानस के जो कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनीषा, बिल्कुल, और हल्द्वानी से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। तो योगेश, हल्द्वानी में किस तरह की ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ ताजा स्थिति वहां पर? देखिए मनीषा, साफ तौर से 23 और 24 अगस्त को मौसम विभाग द्वारा रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बात नैनीताल जिले लेके करें तो नैनीताल, भीमताल, भवाली जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हल्की हल्की बारिश सुबह से देखने को मिल रही है, लेकिन हल्द्वानी में मौसम साफ है। हालांकि मौसम ये बना हुआ है लेकिन अभी बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, मौसम खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट पर है। जल पुलिस को अलर्ट किया गया है, बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया है, एसडीआरएफ टीम पूरी तरह से अलर्ट पे है, और जो नदी और नालों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनसे लगातार
सतर्क रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि कलसिया और रक्सिया नाले में जो भारी पानी का सैलाब आया था उसने कई मकानों को यहाँ पर खतरा कर दिया था। हालांकि किसी तरह की कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो लोगों की जान है वो बचा दी गई थी। तो उसको देखते हुए अभी पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर है, क्योंकि कल का दिन बेहद भारी मौसम के लिहाज से बताया गया है। जी बिल्कुल, और देहरादून से नवीन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, देहरादून में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ ताजा हालात, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वह जारी है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो करीब 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से लौटे हैं और सीधे वह आपदा प्रबंधन विभाग गए हैं और उन्होंने वहां पर जो उत्तराखंड में बारिश हो रही है वहां के हालातों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से भी बात की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें। और उनका साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तरकाशी की जो घटना है वह फिर से ना दोहराए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और अगर राजधानी देहरादून की बात करेंगे तो लगातार बारिश का जो सिलसिला है वह जारी है। कहीं ना कहीं जो आम जनता है, पब्लिक है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब भरी हुई हैं और इसके साथ ही जो यही हालात पूरे पहाड़ी क्षेत्र 13 जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं कि लगातार जो बारिश का सिलसिला है वह जारी है। टिहरी, पौड़ी और चमोली में लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है और मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही अपनी यात्रा करें, अगर जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। तो मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है। और इसके साथ ही अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार सभी जो जिले हैं उसकी मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और साथ में सभी जिला अधिकारियों को भी यह निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करने का काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कई जिलों में जो सड़कें हैं वह अवरुद्ध हो रही हैं, लेकिन जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो पुलिस है, स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से भी रास्ता खोलने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है, गाँव की कनेक्टिविटी, वह टूटने ना पाए और आवागमन में किसी भी प्रकार की आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और एक बार फिर से हरिद्वार से विकास का रुख करना चाहेंगे। विकास, हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा ही रहता है और श्रद्धालु भारी संख्या में हरिद्वार में आते हैं गंगा स्नान के लिए, तो ऐसे में गंगा भी लगातार गंगा मैया उफान पे है, गंगा नदी उफान पे है, तो प्रशासन किस तरह से इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए अपने आप को तैयार समझ रहा है? जो बारिश का जो पानी है कहीं ना कहीं पलेन जगह वहाँ पर आता है, तो इसके वजह से जो गंगा है तरीके से उफान करे, जो नदी नाले जो भी चीजों से अपार उफान करे। हालांकि जो छोटे नहर है जो हरिद्वार से निकलते उसके फिलहाल जो जिला प्रशासन द्वारा बंद करने का जो निर्णय लेना वाले जो नहर बंद कर देती है, उसमें जो काफी जो फिल्ड है काफी जो ऊपर से जो पैदल है काफी यहाँ पर आते, तो ऐसे में जो काफी प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया जो की गंगा किनारे जो सटे इलाके उन सभी को जो है अलर्ट रखने का जो आप जिला प्रशासन निर्देश जारी किया। हालांकि जो 48 टीम है जो जिला प्रशासन टीम है जो बात चौथा जो कांपुर में जो अल्ट रखा गया था कि किसी प्रकार से आम जनता को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ऐसे में जो प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जो फिलहाल जुटा हुआ है ताकि किसी प्रकार से जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि जिस तरह से जो स्कूल की जो छुट्टी है उसके कांपुर में जिला प्रशासन के द्वारा और जो व्यवस्था अच्छा बना सकती है, तो कहीं ना कहीं आमजन वाले से जो है इसे जो बेहतर है कांपुर का प्रशासन पूरी तरह पर ऐसे भी बना गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आम जनवाले को ना करना पड़े। मनीषा, ठीक है, तो तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, वहीं प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उधर हल्द्वानी में नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कांग्रेस पार्षदों ने मेयर और नगर आयुक्त पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर जोगेंद्र रौतेला से 5 साल में कराए गए कार्यों का ब्यौरा भी मांगा और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा है कि आज शहर में विकास तो दूर की बात है, जलभराव, गंदगी और आवारा पशुओं की भी भरमार देखने को मिल रही है। उधर हल्द्वानी शहर की दुर्दशा के लिए पूर्ण रूप से केवल मेयर ही जिम्मेदार हैं। अरे आप देख लीजिए, शहर में सबसे ज्यादा जलभराव, 70-70, 80-80 साल में कभी इतना पानी नहीं आया जो आया है। ये कहां से आया हुआ है? जो इन्होंने नालियों के ऊपर अतिक्रमण करा रखे, जो ये नाले साफ नहीं करा रहे, जो इन्होंने रोडे दबा दी, जो टूटी रोडे हैं, जिसका विकास कार्य नहीं हुआ है, उस चीज के लिए
बजट सत्र में हम तो सिर्फ मेयर साहब से पूछेंगे, आपने आने वाले आगे वाले 5 सालों में क्या करा वो छोड़ दो, आप सिर्फ हमें ये बताइए इस 5 सालों में जो भी आपने घोषणाएं करी वो आपने पूरी करी नहीं करी, आपने कोई काम करा नहीं करा। स्थिति तो यह है मेयर साहब की, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो अपनी आने वाली सीट को ही बचाने के चक्कर में लगे। उधर उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून से हालात बेहद खराब हो गए हैं और कई सड़कें टूटी हुई हैं। प्रदेश की जनता पूरी तरह से परेशान है, लेकिन सरकार को लोगों की बजाय इन्वेस्टर समिट की चिंता है। वहीं इस पर बीजेपी के नेता नरेश बंसल ने कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि आपदा हर साल आती है, जिसको लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से काम भी कर रही है, और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के 13 में से 10 जनपद आपदा प्रभावित हैं। तराई के 3 जनपदों में भी बाढ़ की स्थिति, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में आपको मालूम है बाढ़ की स्थिति है। अब जब पूरा राज्य आपदा प्रभावित होगा और आप इन्वेस्टर्स मीट के लिए 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टर मीट त्रिवेंद्र सिंह रावत करा चुके हैं अपने जमाने में, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की नकल क्यों उतार रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है हम लाएंगे। अरे भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ लाओगे, कहाँ लाओगे इन्वेस्टमेंट? पूरे राज्य की सड़कें ध्वस्त पड़ी हुई है, आपको मालूम है सरकार तो आंकड़ा छुपा रही है। कम से कम 700 सड़कें इस समय ऐसी हैं राज्य की जो पूरी तरह से इस समय बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक मैंने आपको बताया 78 जगह 78 जगह ये मार्ग टूटा पड़ा है। केदारनाथ का पूरा रूट ध्वस्त पड़ा हुआ है, यमुनोत्री गंगोत्री का पूरा रास्ता खराब है, हरिद्वार में लक्सर से लेकर के पूरे हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति आपने देखी है, उधम सिंह नगर में भी ऐसी स्थिति है, पूरे प्रदेश में आपदा है। आप इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हो, यहाँ पे राज्य की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, उसको मदद की आवश्यकता है, और आप इन्वेस्टमेंट की बात है। भैया लोग बचेंगे, लोग जिंदा रहेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट काम आएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट ला रहे हो। और राज्य में तो हम कह रहे हैं कि आप सारी चीजें छोड़ करके सबसे पहले सख्त भू कानून यहाँ पर लाइए, ये भू कानून जब तक नहीं आएगा प्रदेश के अंदर तब तक मैं समझता हूँ राज्य नहीं बचेगा, राज्य के गाँव ही नहीं बचेंगे तो राज्य कैसे बचेगा, सारा पहाड़ बिक जाएगा। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल एसी में बैठकर के विज्ञप्ति जारी करते हैं, कभी जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ते। आपदा का दौर है हम सब जानते हैं, और उत्तराखंड में आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं, पर सरकार तुरंत सक्रिय होकर के राहत के कार्य को करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं समय समय पर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जायजा लेते हैं, हमारे मंत्री जाते हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन वो केवल विज्ञप्ति जारी करते हैं और कुछ नहीं करते। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।